अब तक जो भी करा हमने, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में था जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसमें भी केवल हाइड्रोजन एटम तक हम लिमिटेड हैं, और हाइड्रोजन एटम के लिए बोर कंसेप्ट, बाकी किसी एटम के लिए बोर कंसेप्ट काम ही नहीं करता, तो वहां तक अभी हम नहीं पहुंच रहे। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल रीजन एटम का, जहां सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और ऑलमोस्ट सारा का सारा मास वहां कंसंट्रेटेड है। हेडिंग डालिए न्यूक्लियस, द सेंट्रल कोर रीजन ऑफ एटम दैट कंसिस्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंटेन पॉजिटिव प्रोटोन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज हम पहले रदरफोर्ड ने दे दिया था, न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10^-15 मीटर के ऑर्डर का। जरूरी नहीं है सबका न्यूक्लियस का साइज यही हो, थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो जाता है। वो गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो गोल्ड के न्यूक्लियस का साइज और बाकी सबका भी लगभग लगभग उतना ही होता है। एग्जैक्टली 10^-15 नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो किस पर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? किस पर डिपेंड करती है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? डिपेंड करती है एक अनदर कांस्टेंट पर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर डिपेंड करती है क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। डिपेंडेंसी है ये, क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आप कांस्टेंट लगाएंगे, यहां कांस्टेंट है आर नॉट। आर नॉट इज कॉल्ड इंपीरियल कांस्टेंट, इंपीरियल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.2 × 10^-12 मीटर। तो वैसे तो हमने कहा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10^-15 मीटर, लेकिन मास नंबर के अकॉर्डिंग बदलता चला जाएगा। 10^-15 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैसे बदलेगा? कि जितना बड़ा एटॉमिक नंबर है, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उतने ही ज्यादा उसकी रेडियस होगी। क्या रिलेशन आया? आर इक्वस आर नॉट 1/8^1/3। आर नॉट एक इंपीरियल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होगा? न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर रेडियस हो गई, और यहां आप सब्स्टिट्यूट कर दें, आर को सब्स्टिट्यूट कर दें आर नॉट 8^1/3, तो क्या बनेगा? 1/3 पाई आर नॉट 8^1/3 होल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आपका निकल कर आता है कितना, बोलो? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए क्यूबिक मीटर। ये आपका वॉल्यूम न्यूक्लियस का हुआ। अब न्यूक्लियर मटेरियल की अगर आप डेंसिटी फाइंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, मटेरियल का मतलब जो न्यूक्लियॉन से मिलकर के जो मटेरियल बना प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, वो न्यूक्लियर मटेरियल हुआ। डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? डेंसिटी रो कितना होगा बोलिए? मास अपॉन वॉल्यूम, और मास कितना है ए, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई
आर नॉट क्यूब ए, तो ये बन जाता है आपका 3/4 पाई आर नॉट क्यूब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और यहां अगर हम देखें तो सभी कुछ यहाँ कांस्टेंट है, 3/4 पाई, और ये आर नॉट भी इंपीरियल कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इज कांस्टेंट, चाहे वो न्यूक्लियस किसी भी एटम का हो। हीलियम के न्यूक्लियस की जितनी डेंसिटी उतनी ही डेंसिटी गोल्ड के न्यूक्लियस की भी है, उतनी ही डेंसिटी क्लोरीन के न्यूक्लियस की भी है, बस मास के साथ साथ उनके साइज छोटे बड़े होते रहेंगे। अगर मास दुगना हो रहा है किसी से तो साइज भी उसका दुगना हो जाएगा, वॉल्यूम दुगना हो जाएगा, डेंसिटी वही की वही बनी रहेगी। तो यहाँ यहाँ इससे निकल कर आता है कि इस फॉर्मूले से ये पता लग रहा है अल्टीमेटली कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर, या डू नॉट डिपेंड अपॉन द एटम, किस मटेरियल का एटम है, किस एलिमेंट का एटम है, इस बात पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। चाहे सोडियम का एटम हो, या क्लोरीन का एटम हो, या ऑक्सीजन का एटम हो, या गोल्ड का एटम हो, या टंगस्टन का एटम हो, सभी की डेंसिटी एक जैसी होती, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में मास नंबर एटॉमिक नंबर कहीं कुछ आ ही नहीं रहा, जो कुछ भी आ रहा है वो सबके सब क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस कितना? सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू कितनी है, आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ए आपका निकल कर आता है 4 पाई आर नॉट स्क्वायर ए टू दी पावर 2/3 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्योंकि मास नंबर आ रहा है तो इसलिए सरफेस एरिया डिपेंड करेगा मास नंबर पर, लार्जर द मास नंबर लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हेडिंग इसकी आपने डालना है क्या, साइज डेंसिटी, साइज सरफेस एरिया, साइज सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस, साइज सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल।